हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएल लिमिटेड की। दोस्तों, यूपीएल लिमिटेड से लेकर बहुत बड़ी खबर यहाँ पे मैं आया हूँ आपके साथ। और यहाँ पे यूपीएल की क्या बड़ी खबर है वो भी मैं आपको साझा करूंगा इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले सेशन में 1% से ज्यादा इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला यूपीएल लिमिटेड के अंदर। और यहाँ पे काफी समय से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक है जो इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 450 रुपया का लेवल ये तोड़ नहीं पा रहा है। एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है 450 के करीब। और यहाँ से यह स्टॉक के नीचे जाने की चांसेस भी बहुत कम है दोस्तों। तो यह यूपीएल लिमिटेड की बड़ी खबर क्या है, उससे पहले दोस्तों मैं बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों, यूपीएल लिमिटेड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो हायर प्राइस पे बाइंग करके फंसे हुए हैं। किन्हीं ने अगर हम बात करें तो 700 पे बाइंग किया है, तो कोई ने 600 पे, कोई ने 500 पे। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आया है कई बार। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे जब ये लो लगाया था 585 के करीब, उसके बाद अप ट्रेंड आया इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक 600 क्रॉस करके ऊपर निकल गया था, तो लगा लोगों को कि ये स्टॉक अब ऊपर की ओर भागेगा, लेकिन ये वापस फिर से नीचे गिर गया। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन आपको 2 नवंबर 2023 के करीब भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक नीचे आया 550 के करीब, और उसके बाद फिर से स्टॉक अपसाइड जाने लगा। और ये स्टॉक करीब करीब अगर आप देखोगे तो 600 रुपया क्रॉस किया। और 600 क्रॉस किया, इसका मतलब लोगों को लग रहा था कि यहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पे ऊपर की ओर ही जाएगा, लेकिन फिर से स्टॉक ये नीचे गिर गया। दोस्तों, यहाँ पे अभी तो ये इसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बीते कुछ टाइम से। लेकिन यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड के अंदर ये गिरावट क्यों हुआ वो भी हम बात करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले जो खबर है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यूपीएल लिमिटेड, ये आप देख सकते हैं कल नाइट में अगर हम बात करें तो 26 मार्च 2024 को ये अपडेट आया है, नाइट में आया। मैं आपको अपडेट दे नहीं पाया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी है जो राइट इशू इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे अपडेट ला रही है। तो कंपनी यहाँ पे राइट इशू ला रही है, यानी कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर सकती है दोस्तों, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, दिस कम्युनिकेशन इशूड इन व्यू ऑफ क्यूरी रिसीव फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर रिगार्ड टू द अनाउंसमेंट मेड बाई कंपनी December 22, 2023 प्रपोज राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग अप टू 4,200 करोड़ यहाँ पे कंपनी है जो रेज करती हुई नजर आएगी। क्या रेशियो अभी रखा जाएगा वो अभी अपडेट नहीं आया है। और जैसे ये सारी डिटेल्स आता है राइट इशू के रिगार्डिंग यूपीएल का, तो मैं आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे अभी जो आपको देखने को मिल रहा है 4,200 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करती हुई नजर आएगी यूपीएल लिमिटेड कंपनी। लेकिन अभी पूरी डिटेल्स आया नहीं है, अभी इतनी सी डिटेल्स है कि इतना आप जान लीजिए कि यूपीएल लिमिटेड यहाँ पे प्लानिंग कर रही है राइट इशू लाने की। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आपको बड़ी अपडेट एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है यूपीएल लिमिटेड के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूपीएल लिमिटेड की, अभी के टाइम पे जो गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो सबसे बड़ी यहाँ पे वजह आपको जो देखने को मिलेगा, कंपनी की जो एक तरह से मार्जिन है वो 1% पे आ गया। मार्जिन बहुत ज़्यादा गिरा है इस कंपनी का, जिसका मार्जिन 24% 21% पे रहा करता था, जो आज के डेट में आपको 1% पे मार्जिन देखने को मिल रहा है। 1% मार्जिन के साथ ये 1607 करोड़ का लॉस करती हुई नजर आ रही है कंपनी। 9,887 करोड़ का सेल्स करती हुई नजर आई Q3 क्वार्टर में। लेकिन यहाँ से कंपनी को बहुत कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो पाया, मात्र 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो पाया। लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे 1191 करोड़ इंटरेस्ट जाता है दोस्तों, यानी मतलब कंपनी के पास जो कर्ज है उसका इंटरेस्ट कंपनी इतना पे कर रही है। तो यहां पे कंपनी को एक बड़ा लॉस होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गया। यहाँ पे इसके पहले वाला क्वार्टर Q2 में भी देखोगे तो 293 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। तो यहाँ पे जो ये लॉसेस है, क्या कंटिन्यू रहने वाला है? तो यहाँ पे ये कंटिन्यू रहने वाला नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी के अंदर अभी। और शॉर्ट टर्म में जब ये प्रॉब्लम चलता है तो ऐसे टाइम पे
अपॉर्चुनिटीज होती है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड की अगर बात करोगे तो कंपनी काफी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे कंपनी के पास 14,000 प्लस प्रोडक्ट्स है और 140 कंट्रीज के अंदर करीब करीब ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों यूपीएल लिमिटेड अगर आप देखोगे तो बेसिकली 13,000 नंबर ऑफ इंप्लॉयज इस कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और बांद्रा वेस्ट में मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। काफी पुरानी कंपनी, 1969 में कंपनी का फाउंडेशन रखा गया था। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के बहुत बड़ी एक तरह से कंपनी अपना जो चेन है वो बना रखी है, एक तरह से बिजनेस चेन। और यहाँ पे देखें तो बुक वैल्यू कंपनी का 385 रुपया पे आपको अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे अभी भी ट्रेड नहीं कर रहा है स्टॉक। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.21 का है और यहाँ पे डेप्ट कंपनी के पास 34,936 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास 28,713 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पे डेप्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट कैप जितना है उतना के करीब कंपनी के पास कर्ज देखने को मिल रहा है। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 32.4% की प्रमोटर होल्डिंग है। डेप्ट इक्विटी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, 1.21% की यहाँ पे डेप्ट इक्विटी है, तो डेप्ट इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो कंपनी के अंदर FIS एंड DIS काफी ज्यादा होल्डिंग रखे हुए हैं, लेकिन पेट्रोस्की स्कोर देखोगे तो आउट ऑफ 10 में यहाँ पे 7 रेटिंग दिया गया है, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर तो रिसेंटली इनका डेप्ट है जो बढ़ा है, क्योंकि आप देखोगे तो बेसिकली 7 ईयर्स पहले 5,258 करोड़ का कर्ज था और 5 ईयर्स पहले 6,338 करोड़ का कर्ज था, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली इनका डेप्ट बहुत तेजी से इंक्रीज किया, वो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आप देखोगे अभी रिसेंटली कंपनी के अंदर FIS है DIS क्या कर रहे हैं, तो रिसेंटली FIS ने थोड़ी सी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं और DIS थोड़ी सी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है जो इंक्रीज होती हुई नजर आई है दोस्तों, पिछले अगर क्वार्टर की तुलना में अगर हम देखें तो। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर हैं जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी के अंदर। और यहाँ पे अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने इंक्रीज किया है। तो हर एक मतलब कि क्वार्टर की बात करें, साल की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी का बोरोइंग इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और साथ में रिजर्व भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रिसेंटली रिजर्व सितंबर में थोड़ा सा कम हुआ है, 29,000 करोड़ से 28,000 करोड़ पे आ गया है। कंपनी का CWIP में भी काम कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कंटिन्यू कर रही है। कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है बहुत शानदार बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के अंदर अभी इस सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा गिरावट है क्योंकि UPL लिमिटेड है जो बेसिकली इनका एग्रोकेमिकल्स बिजनेस है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स से रिलेटेड भी काम करती है और स्पेशलिटी केमिकल्स से रिलेटेड भी काम करती हुई नजर आती है कंपनी है। तो यहाँ पे इनका सेल्स ऑफ क्रॉप्स और वेजिटेबल सीड से रिलेटेड यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आती है। एक्सेस अप टू 90% ऑफ द वर्ल्ड में के अंदर अगर हम देखें तो इनका प्रजेंस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ 140 कंट्रीज के अंदर अपना एक तरह से प्रजेंस बना रखी है कंपनी, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी के टाइम पे इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का इस स्टॉक के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि रेगुलर बेसिस पर भी आपको अपडेट मिलता रहे दोस्तों।